नगरी है जी, देवनगरी 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 इसका नाम देवनगरी। ये देवनगरी वो देवपुरम, सुनो मेरी बात, सारे देव साल पहले आए थे, दो हजार इसे छोड़ दो, एक मिनट महीने का ही फर्क आया, महीने का फर्क आया। अरे मुझे पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से हथनीकुंड बैराज का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और कल से लेकर अब तक लाखों क्यूसेक पानी जो है हथनीकुंड बैराज से यमुना नदी के साथ साथ जो अन्य नदियां उनमें रिलीज किया गया है। और ये सीधी तस्वीर है सहारनपुर की है, आप देख सकते हैं कि हथनीकुंड से जो पानी छोड़ा गया है वो सहारनपुर के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर भारी तबाही बनकर यहाँ पर दौड़ता नजर आ रहा है। किसानों की हजारों बीघा फसल जो है वो अब तक यहाँ पर तबाह हो गई है, किसान परेशान है, लाचार हैं। किसी ने धान उगाया था, किसी ने नर्सरी लगा रखी थी, कोई अन्य फसल थी, वो सब तबाह हो गई। एक समुद्र जैसा नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पिछले 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लगातार बारिश हो रही है और उस बारिश की वजह से यमुना का भी जलस्तर बढ़ा है और ये पानी जो है लगातार हथनीकुंड बैराज से छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से जो यमुना से सटे जो सहारनपुर के इलाके हैं वहाँ पर हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। और ये पानी सिर्फ सहारनपुर नहीं बल्कि यमुना से सटे जो अन्य जिले हैं, विशेषकर शामली है, बागपत है या फिर देश की राजधानी दिल्ली हो, वहां तक इस पानी का असर जो है वो देखने को मिलेगा। लगातार अगर बारिश इसी तरह से बढ़ती रही, लगातार बारिश पड़ती रही, तो यमुना का जल स्तर बढ़ता रहेगा, हथनीकुंड भी ओवरफ्लो होगा और हथनीकुंड बैराज से भी लगातार पानी इसी तरह से छोड़ा जाएगा। तो आने वाला जो समय है वो काफी कष्टकारी होने वाला है, विशेषकर सहारनपुर के लोगों के लिए, क्योंकि स्थिति सिर्फ सहारनपुर के ग्रामीण इलाकों की नहीं है, स्थिति जो है शहरी इलाकों की भी कुछ इस तरह से बनी हुई है। कई कॉलोनियां जो हैं वो जलमग्न हो गई हैं, वहां पर लोगों को अपनी घरों की छतों पर रहकर गुजारा करना पड़ रहा है। इसके अलावा कई लोगों को शेल्टर होम बनाए गए हैं, वहां पर उनको रखा गया है। प्रशासन लगातार कॉलोनी वासियों को रेस्क्यू करने में लगातार जुटा हुआ है, साथ ही साथ उनके खाने पीने के प्रबंध भी किए जा रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो इस वक्त जो सिलगाना क्षेत्र का है ये इलाका है, यहाँ पर अब तक हजारों बीघा जमीन जो है वो जलमग्न हो गई है और जमीन पर जो फसल खड़ी थी वो भी सारी की सारी नष्ट हो गई है, जिसकी वजह से अन्नदाता किसान के सामने एक नया संकट पैदा हो गया है।